हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। व्यूअर्स, आज हम जो है ना देग पकाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आज हमसे देग पकती है या नहीं। अभी हमने इसके अंदर सबसे पहले घी डाला था, उसके बाद हमने टमाटर डाले इसके अंदर, अब जो है ना गोश्त डाल रहे हैं। आज देखो, आज हम देग पकाते हैं या इसे खराब करते हैं। आज हमारा जो है ना पकवान था ना बनाने वाला, वो हमें रास्ते में छोड़ कर भाग गया। तो जो है ना फिर आपको पता है शादी का काम, तो फिर आज हम खुद ट्राई कर रहे हैं। ये जो है ना हम इसके अंदर हल्दी डाल रहे हैं। पूरी प्लेट धोई पड़ी है। व्यूअर्स, हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। अब ये गरम मसाला डाल दिया। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने इसमें गरम मसाला डाला था, अब इसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद जाना, अब हम इसको देख कर जो है ना थोड़ा सा हिलाएंगे, ताकि जो सारा हमने मसाला डाला है मिक्स हो जाए। हलाए ना फेंडेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने अब हिला लिया इस देग को, इतना सारा मसाला जो हमने डाला था वो मिक्स कर लिया। अभी आप देग में देख सकते हैं जो है ना गोश्त हमने इसके अंदर डाला था, तकरीबन 5 मिनट जो है ना डालने के बाद इसको हमने हिलाया नहीं था, मसाले वगैरह डाले। अभी गोश्त तकरीबन भून चुका है, तो मसाला भूनने के बाद ये हमारा जो है ना सालन तैयार। तो हाथ भी जल रहे हैं, ठीक है जो ना तजर्बा हमारा जो है ना काम कर रहा है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है ना हमने देख को हिला लिया था, नमक वगैरह चेक कर लिया था, अब जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छा व्यूअर्स, ये 5 मिनट कवर करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर। हाँ, तो व्यूअर्स, ये मिर्ची डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, ताकि वो जो है ना मिक्स हो जाए सारे सालन के अंदर। अच्छा व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम जो है ना दही ऐड कर रहे हैं, वो मिर्च वगैरह डालने के बाद हमने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। ये तकरीबन हमारी जो दही थी, ये 2.5 किलो दही थी हमारी, ये हमने ऐड कर दिया देख के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये हमने जो है ना दही डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे सारी दही को सालन के अंदर। हाँ व्यूअर्स, ये दही डालने के बाद हमने इसे कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए, अब हम इसे दोबारा मिला रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है ना अब हम इस देग को हिला रहे हैं, तकरीबन जो है ना ये देग हमारी तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमारी जो बोटी थी वो गल गई है या नहीं। ओ यार, ये तो आ नहीं रही बोटी इसके अंदर। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है ना अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं कोरमा मसाला, ये आप देख सकते हो, ये एक पैकेट डाल रहे हैं पूरा। व्यूअर्स, हमने इसके अंदर कोरमा मसाला डाल दिया था, अब इसे हिला लेते हैं ताकि वो मिक्स हो जाए। ये जो है ना अब हम इसके अंदर डालेंगे ये धनिया पाउडर, ये शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये देख से असल में भाप इतने निकल रहे हैं जो है ना कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये देख सकते हैं। ये धनिया पाउडर भी हम डाल रहे हैं देख के अंदर, अब हम देख हिला लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये जो है ना मिक्स हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है ना हमने शुरू में प्याज नहीं डाले थे इसके अंदर, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना ये ब्राउन किए हुए प्याज थे ऑलरेडी, इस वजह से हमने शुरू में प्याज नहीं डाले थे। अब ये जो है ना ये ब्राउन वाले जो है ना ये किए हुए हैं, ये डाल रहे हैं इसके अंदर। ये जो है ना आपने एंड में डालने, जब सालन आपका बिल्कुल जो है ना देखोगे रेडी हो गया है, तो आपने फिर ये जो है ना भुने हुए प्याज मार्केट में मिल जाते हैं अवेलेबल है, वो जो है ना आपने डाल देना। अगर आपके पास
दूसरे प्याज हैं तो आप वो शुरू में डाल सकते हो, जैसे आप जब घी डालोगे उसके बाद आपने प्याज डालना। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है ना अब हमारी देग बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये अब हमने जो है ना चूल्हे से उतार ली है, ये जो है ना बिल्कुल रेडी है अब हमारी जो है ना। अब इसको हम लेके चलते हैं घर पे और इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं फिर। चलो फिर। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है ना हम अब इसके अंदर देग उतार ली है हमने, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये धनिया और ये सब्ज़ धनिया है और इसके अंदर हमने नींबू काटा हुआ है, ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा बचा लो डिश में, चल डाल दे।